वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है और वो क्यों बनती है और वो कैसे होती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और इस वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है और आपको काफी इन्फॉर्मेशन देगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए बात करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है और वो कैसे होती है। तो देखिए, ये है आर्मेचर रिएक्शन की डिफिनेशन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है? द इंटरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स विद द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्शन। मतलब जब आर्मेचर का फ्लक्स और मेन फील्ड का फ्लक्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं, तो जो रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। तो ये आपकी डिफिनेशन, ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये डिफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछेगा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है तो वर्ड बाय वर्ड आपको ये डिफिनेशन आना चाहिए। क्या डिफिनेशन? द इंटरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स विद द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्शन। अब आइए बताते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये देखिए, ये पहला जो डायग्राम है आपका, ये आर्मेचर रिएक्शन का, इसमें ये जो पहला डायग्राम है ये नो लोड पर है, और इसमें देखिए क्या दिखाया गया, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये आपका आर्मेचर बीच में रखा है। इस समय इसके ऊपर कोई लोड नहीं लगा है, तो क्या होगा, ये मेन फील्ड फ्लक्स जो है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इसके थ्रू होते हुए जाएंगे। तो ये है आपका नो लोड कंडीशन में आपका आर्मेचर, और जो मेन फील्ड फ्लक्स होगा वो बड़ी आसानी से आर्मेचर को क्रॉस करते हुए उधर दूसरे साइड चला जाएगा। अब इसमें जो ये आपका दिखा रहा है मेन फील्ड फ्लक्स है और ये आर्मेचर है। अब बात करते हैं दूसरे फिगर की। जब हम लोग आर्मेचर को लोड से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, आर्मेचर में करंट फ्लो होने लगेगी। तो जैसे ही आर्मेचर में करंट फ्लो होगी तो आर्मेचर खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, तो वो कुछ इस तरह होगी। देखिए, हाफ साइड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इनसाइड होगी और हाफ साइड आउटसाइड, मतलब एक साइड क्लॉकवाइज होगा, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह होगी, और ये लोडेड कंडीशन की बात हो रही है। ये था आपका जब आर्मेचर पे कोई लोड नहीं लगा है, और ये आपका है जब आर्मेचर पे लोड लगा दिया है तो आर्मेचर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जब ये दोनों, ये मेन फील्ड फ्लक्स और ये आर्मेचर का फ्लक्स जब मिलेंगे, तो जो हमको ऑप्टेन मिलेगा, जो फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा ऑप्टेन होगा, वो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन कराएगा। तो ये देखिए, जब ये और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा। ये देखिए, ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स था, पहले देखिए आपका स्ट्रेट जा रहा था, और फिर जब आर्मेचर ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह हुई। तो क्या होगा कि जैसे ही ये स्ट्रेट जाएगा तो कुछ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बीच का जो होगा वो इसे रिएक्ट करेगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बचा हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका जो होगा दिशा चेंज हो जाएगी, और वो मूव करके थोड़ा अपवर्ड और डाउनवर्ड होकर शिफ्ट होके जाएगा। तो ये है आपका आर्मेचर रिएक्शन, इसको कहेंगे आर्मेचर रिएक्शन। इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, नंबर ऑफ जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है वो आपकी कम हो जाएगी, और हमारा थोड़ा आर्मेचर की वजह से लॉसेस होगा, और एफिशिएंसी आर्मेचर की वजह से, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आपकी एफिशिएंसी मशीन की कम हो जाएगी। तो इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन एक अच्छी चीज नहीं है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग उपाय लगाते हैं। तो ये था आपका आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है और कैसे होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये काफी काम की वीडियो है और ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसीलिए आपको आना चाहिए। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।